भाई मुख्यमंत्री हो तो बिल्कुल योगी जी जैसा होना चाहिए, सारे काम फिट फोर रखे। अब देखो निर्माण श्रमिकों के बच्चों को स्नातक स्तर तक मुफ्त शिक्षा देगी सरकार। अजी सुनो, क्या यो बिजली का बिल दे गया? बिजली वाला बिजली का बिल दे गया? हाँ जी। अब शीला तू एक बात बता, यू जो हमारे मकान में किराएदार रहे ना, इसने ना तो 3 महीने का बिजली का बिल भरा और ना हमारे मकान का किराया ही दिया, बता क्या करे? अजी वो गांव में जा रहे थे और वे कल आए। आ तो गए। पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। ओहो, अखबार पढ़ा जा रहा है? पर राजन, अरे तू गया कहाँ था? पिताजी जाता कहाँ, नौकरी की तलाश में गया, एयरफोर्स के फार्म निकल ले वहाँ गया। बेटा मुझे तो एयरफोर्स की नौकरी बढ़िया लगती नहीं, कुछ और ही इल्ला देख लेता। अरे वैसे तो तुझे जरूरत भी के भाई, मारे खुद का वर्कशॉप रहा, उसकी देख रेख कर ले, केला छोरा तुम्हारे। पिताजी उसे तुम तो देख रहे हो, मेरा मन है देश की सेवा करने का और तुम मुझे देश की सेवा करने दो। बेटा हम ना करवाते इस नौकरी को। अरे भाई मैं ही कदलो देखूंगा, इतना मैं हूँ, इतना तो मैं देख रहा, मेरे पीछे भी तो देखना पड़ेगा तुझे सारा कुछ। पिताजी तुम कह रहे हो तुम ना जाने का फोर्स में, पर पिताजी मेरा फोर्स में जाने का बहुत मन है। अरे बेटा तू अब मुझे ही देख ले, पूरे 10 साल हो गए मुझे, जमीन बनने सारी ठेके पे दे रखी, इसे वर्कशॉप को महीना देख रहा हूँ केला, और मेरे पीछे तो तुझे ही देखना पड़ेगा सब कुछ ही। अरे चल लाला, तुझे भूख लग रही होगी, रोटी खा ले। चलो तुम रोटी पानी खाओ, मैं वर्कशॉप को देख आऊं। तीन महीने हो गए फैक्ट्री बंद पड़ी, तनख्वाह का कोई नाम नहीं, आगे खर्चा चलेगा तो कैसे चलेगा समझ में नहीं आ रही। तमनु बताओ कंपनी कब तक खुलेगी? 1 तारीख तक चलने की उम्मीद है, और 3 महीने हो गए ना तो बिजली का ही बिल जमा हुआ और ना ही कमरे का किराया जमा हुआ। पापा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, क्या बात, आज तो बड़ी खुश नजर आ रही हो। पापा जी मेरे स्कूल में बैडमिंटन का फाइनल मैच था, उसमें मैं जीत गई हूँ और मुझे इनाम मिलेगा। वाह वाह बेटा, बेटी तो मेरी है, बैठ बेटे। डैडी अभी तो मैं जिले में फर्स्ट आऊंगी, फिर प्रदेश में फर्स्ट आऊंगी, उसके बाद मुझे गवर्नमेंट सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी। बेटा कब मरेगी सासू और कब आएंगे आंसू, 3 महीने का बिजली का बिल रुका पड़ा और 3 महीने कमरे का किराया रुका पड़ा। डैडी आप परेशान ना हो, मैं आपकी बेटी भी हूँ और बेटा भी हूँ, मैं वो करके दिखाऊंगी जो आज तक किसी ने ना किया। बेटी तू लड़की है, तेरी शादी हो जाएगी ना, तू अपना घर संभालना, हम कब तक तेरे सहारे रहेंगे। मम्मी बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं होता, ये आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरा नाम भी रजनी उर्फ बिजली है। बेटी मकान का किराया ना जाएगा ना तो मकान वाला मैं घर से बाहर निकाल देगा। मम्मी जी ऐसे कैसे निकाल देंगे बाहर, 10 साल से रह रहे किराया दे रहे, 3 महीने ही तो रुका, कौन सी बड़ी बात होगी, दे देंगे। ये बात तो बेटा तू ठीक कह रही, अधिकार तो ना है पर किराया तो टाइम पे देना चाहिए ना। डैडी वो तो आप मेरे ऊपर छोड़ दो। अंकल जी हैं? आइए फरमाइए पधारिए, कैसे आना हुआ राजा? अजी आना के है, पिताजी ने बिजली का बिल दिया। अच्छा चलो तो अंदर बैठ के बात करते हैं। चलो जी आओ बैठो। अंकल आंटी कहाँ गए? मम्मी डैडी तो मार्केट गए हैं। ठीक है तो मैं चल रहा हूँ, पर तुम मेरी एक बात तो सुनो।
तू मर्द है, औरत है या कुछ और है? अब बताओ क्या बात है। हूँ तो मैं मर्द ही, पर तुम मुझे एक बात तो बताओ। तुम तो मेरा नाम जानो और मैं थारा नाम आज लो नहीं जान पाया। हम 10 साल से तुम्हारे यहाँ किराए पे रह रहे, तुम्हें आज तक हमारा नाम ही नहीं पता। मैं तो रहूं चल, यू लो बिजली का बिल और अपने पिताजी से कह दियो 3 महीने का किराया हो रहा उसे दे देंगे। मुझसे बात कर दिल की, दिल लेता हो तो बता। ओ देवी, ना मुझे बिल चाहिए और ना तेरा दिल चाहिए, तू मेरा पीछा छोड़, हटाए गोड। अरे राजन, इस बिजली से कब तक बच के रहेगा? इस बिजली का करंट तो लगेगा जरूर, आज नहीं तो कल। अरे राजन, किस सोच में डूब रहा है? क्या मामला है, कोई लड़की उड़की के चक्कर है के? अरे कुछ सोच में ना हूं मैं, और यार लड़कियों तो बहुत दूर रहूं मैं, तुझे तो पता है। अरे हमें भी बता दे फिर, के मामला है, किस सोच में डूब रहा है? यार मैं अपनी नौकरी के बारे में सोच रहा हूँ, और घर वाले मना करने लगे। मैंने एयरफोर्स में फार्म भर रखा यार, न्यू कह रहे तू अपनी वर्कशॉप थाम ले, बताओ जी कोई बात है? अरे वो ठीक ही तो कह रहे हैं, और तुझे नौकरी करने की जरूरत ही क्या है? अरे अपना काम संभाल और कोई अच्छी सी लौंडिया देख के उसके गैल ब्याह कर ले। अरे किससे शादी कर लूं? चल तू बता कौन है लौंडिया? सुन, एक लौंडिया मेरी निगाह में हैगी, मारे स्कूल में पढ़ा है। तुझे पता है स्कूल में बैडमिंटन का कॉम्पिटिशन था, भाई साहब फर्स्ट आई, फाइनल जीता और अब तो उसे मेडल भी मिलेगा। अच्छा जी हाँ। अरे उसका नाम तो बता जिसकी इतनी तारीफ कर रहा तू। नाम है उसका रजनी। अरे भाई लड़की बड़ी मलूक है, चीज ही है कुछ। रजनी? अरे मुझे न्यू तो बता तू, उसका नाम बिजली भी है के? हाँ तू जाने है उसे, पर तू कैसे जाने है भाई उसे? अरे वह तुम्हारे घर में किराए पर रहवे। अच्छा हाँ, फिर देर क्यों कर रहा है? लोहा गरम है, मार दे चोट। अरे एक बात बताऊं, वैसे भी थारी राशि मिले वाह रजनी और तू राजन। अरे यार तुझे मैं कल की एक बात बताऊं, मैं उनके कमरे में किराए को गहन चला गया और उसके मम्मी पापा है ना वहाँ, उसने मेरा हाथ पकड़ के खींच लिया है। अरे जालिम, अब तो बना पड़ा है काम नेकी और पूछ। अरे अब तो मार दे चोट। अरे तू चोट की बात कर रहा है, मैं कल वहाँ डर गया। अरे तू मर्दों के डर रहा, अरे वह छोरियों के ना डर रही, तू मर्द है ना मर्द है, जा चला दे चक्कर। यार तुमने ठीक चला दिए, चल देखूं चल के चलाऊं कुछ चक्कर सा। अरे ओ हीरो, बरात में हम भी चलेंगे। ठीक है चल दी। हाँ कदी भूल जा, चढ़ जा केला केला ही घोड़ी। ओ राजन इधर आइए। हाँ बता क्या बात है? तू इतनी दूर क्यों खड़ा, उरो को तो आ। अरे बिजली करंट ना मार दे, न्यू तेर से दूर खड़ा हूँ। जब बिजली को छुएगा तभी तो मारेगी करंट, एक बार छू के तो देख। मुझे तुझे छू के मरना है के? ये बिजली अपनों को करंट ना मारती, औरों के लिए बिजली है, तेरे लिए रजनी है। मैं भी तो औरों जैसा ही हूँ। मेरा दिल तेरे पे क्यों आया, औरों पे क्यों ना आया? सच्ची? हाँ मुच्ची। तू न्यू बता मुझे क्यों बुला रही ही? मेरे साइकिल में पंचर हो गया, मुझे बाइक से स्कूल छोड़ा। ठीक है अभी आ रहा हूँ। अब तक गई ना स्कूल में? यहीं खड़ी। मम्मी साइकिल में पंचर हो गया। नमस्ते जी।
हाँ बता की बात है। बस तू इतना प्यार करे मुझे छोड़ के चल दिया, घर कौन लेके जाएगा? अरे कौन कह रहा तेरते तो प्यार बढ़ता जा रहा है, पर मैं मार पिताजी को बता के ना आया, अब तू ही बता के बताऊँ मैं घर जाके। बस इतने ही प्यार है? सच सच बता कितना प्यार करे तू मुझे। बताऊँ कितना प्यार करूँ तेरे से? इतना सारा। तुझे पता मैं कितना प्यार करूँ? रोटी भी अच्छी ना लगती, साइकिल में पंचर ना हो रहा, मैंने खुद ने पंचर की। तू मेरे मन की बात पूछे? यू ही हाल हो रहा मेरा भी। तो तू मुझे प्यार में नू छोड़ के जा रहा? ठीक है अब तो जा रहा हूँ मैं, जब तेरी छुट्टी होगी ना तुझे यहीं खड़ा मिलूंगा मैं। अब तो इसका भी जाने का जीना कर रहा? जावेगी फिर? जावेगी, जावेगी क्यों ना। अरे नहीं जाने की, रुक जा। अभी तो आया ऊंट पहाड़ के नीचे। लो जी पानी। अरे पानी तो मैं पी लूँ, पूरा दिन कहाँ जा रहा आज? वो आ लिया जी, वो तो रवरे को सुनिए। हाँ जी। पहले मुझे यूँ बता, तू कहाँ तक आ रहा? अरे इस लोंडिया को कहाँ तक ले आया तू? पिताजी इसकी साइकिल में पंचर हो गया और मैं इसे स्कूल तक लेकर आया हूँ। अरे बेटा यू बात तो तेरी ठीक है, पर ये हमारे किराएदार हैं, कम से कम अपनी हैसियत को तो देखे कर। पिताजी हैं तो इंसान ही, किराएदार हो या मालिक हो। एक बात और याद रख, हम इस मकान के मालिक हैं और ये किराए पर है, और किराया ये टाइम पर कभी देते नहीं। पिताजी तुम तो खम मखा की बात कर रहे हो, किराया भी दे देंगे ये, इनकी 3 महीना से कंपनी बंद चल रही है। चल ठीक है भाई बेटा, चल तू रोटी राटी खा ले। अरे शीला तेरी समझ में आ रही है कुछ बात? मुझे तो इस राजन की बातों पे कुछ फर्क से दिखाई दे रहा। लग तो मजा भी रहा जी, पर थोड़ा ध्यान रखियो। तमनो बताओ किराए का जुगाड़ हुआ नहीं हुआ? करन लग रहा हूँ। अरे है के भैया कोई? आओ जी आओ। आ तो गए। गीता। हाँ जी। चाय बना लाई है? ला रही हूँ। हाँ भाई रामलाल। अजी। अरे तू ठीक तो है? अजी बस कट रहा टाइम आपके दुआ से। भाई रामलाल देख, 3 महीने का तो तेरे पे बिजली का बिल थम रहा, 3 महीने का इस मकान का किराया भी थम रहा। अरे भले आदमी मुझे दोनों चीजों में से एक तो दे दे। थोड़ा सबर करो जी, आपको तो पता ही है हमारे 3 महीने हो गए फैक्ट्री बंद है और ड्यूटी चल नहीं रही, और आप जानो ही हो भाई कोई एक्स्ट्रा काम नहीं। भाई रामलाल मेरी बात सुनिए तू ध्यान से, भाई हमें तो तेरी इन बातों से लेना देना कुछ है नहीं, हमें तो भाई 3 महीने का किराया चाहिए, और जो अगला किराया लूंगा ना बढ़ा के लूंगा।
अजी 10 साल हो गए तुम्हारे यहाँ रहते हुए, किराया तो तुम्हारा देंगे, ऐसी तो आज लो कोई बात हो ही ना। भाई देख रामलाल, तू इस कान ते सुन या उस कान ते सुन, मुझे तो 30 तारीख को किराया चाहिए तो चाहिए। चौधरी साहब, मारी फैक्ट्री 1 तारीख को चल जाएगी और तनख्वाह ते आपका किराया जरूर देंगे। भाई तेरी फैक्ट्री तो मुझे कोई मतलब नहीं है, बस मेरी बात कान खोल कर सुन ले, मुझे 30 तारीख को किराया चाहिए। अजी थार लिया चाय पानी लाऊं कुछ? तेरा चाय पानी को तैसी तैसी में जान दे, तू यहाँ बैठ जा 2 मिनट को मेरे दौरे। कुछ कह भी कर रख रहो तुम? अच्छा नो बताओ तुम, वहाँ रामलाल दौरा गए थे, के हुई बात वहाँ? होती के वे डाक के 3 पात, आज गया था 3-4 महीने का किराया चढ़ी रहा, देने का नाम ही न लेता, फिर वादा कर दे। फिर क्या कहने लगा वो? अरे कहता के कदी तो कंपनी को बतावे बंद, कदी कंपनी में हड़ताल हुई बतावे। मन्ने भी उसे कह दी, अब मुझे इन चीजों तक ठेकेदारी नहीं है, मुझे 30 तारीख को पैसे चाहिए तो चाहिए। सही कह रहे जी, हमें कंपनी से क्या मतलब है, हमें तो अपना किराया चाह। अरे तुझे किराया तो चाहिए, पर आजकल तेरा राजन है ना ज्यादा आवाजाही कर रहा है उनके घरों, उसे समझा लिए। अरे वे राजन। हाँ जी। अरे कुछ सुनिए। हाँ जी। भाई एक काम कर, गांव में कुछ चला जा और हमने जो जमीन ठेके पे दे रखी उसके पैसे ले। पिताजी तुम फोन कर देते, यही दे जाएंगे पैसे में। अरे मैंने उसे राधे शाम को फोन करा था, यूँ कह रहा पैसे तैयार धरे मंगवा ले। ठीक है पिताजी। और तुझे एक बात और बताऊं, इन किराएदारों का आना जाना बंद कर दे, अपना लेवल भी देख ले कुछ। पिताजी ठीक है किराएदार, ऐसे वैसे ना है। अरे अब तू हमें एक बात बता, कई महीने का इनका किराया चढ़ रहा, वे हमारा किराया ना दे, इन्हें ठीक समझे गलत समझे हम? नहीं पिताजी ऐसी बात ना है, जिस कंपनी में नौकरी करे ना वह कंपनी बंद होगी और अब चालू होगी, दे देंगे किराया तुम्हें। दूसरी कंपनी में लग जाओ आग, हमें तो अपना किराया चाहिए किराया। पिताजी ऐसी बात ना है, किराया हमें जरूर देंगे। भाई लाला हमें तो समझाने का फर्ज था तुझे, समझा दिया, अब तेरी समझ में ना आवे तो मत आओ, उठ बैठ बराबर वालों तक करनी चाहिए। ओ चल राजन जाकर काम में चला जा, अरे ठेके के पैसे ले आ तू। ठीक है जा रहा हूँ थोड़ी देर में, कपड़े चेंज कर लूँ। ये मानता ही ना किसी बात को। अरे तुझे सुनता ना है कि? ना सुनता, मैं तो बहरी हूँ। अच्छा बहरी है तो चल पहले तेरे कानों का इलाज करवाऊं। मैं तो मजाक कर रही, मैं तो तू देख लिया राजन है, पर आज बनठन के कहाँ जा रहा है? अरे कहाँ के जाता, गांव जा रहा हूँ। अरे एक काम कर, तू भी चल मेरी गैल, मेरा जीसा लगा रहेगा, आज पूरे दिन तू घर में दिखी भी नहीं मुझे। सच्ची इतना प्यार, चल तो ले चल, ले चल रहा है तो ले चल, मैं तो स्कूल जा रही। फिर चली जा, मैं रोक रहा हूँ तुझे। हाँ मैं तो अब तेरे साथ चलूंगी, तू भी अकेला मैं भी अकेली। अच्छा जी तू भी चलेगी, और यूं ही तो मैं चाह रहा है तू भी चले मेरी गैल, मेरा भी जीसा लगा रहेगा। अरे राजन तू गड्डी लिया आज यहाँ कैसे खड़ा? अरे खड़ा किया, मैं किसी का इंतजार कर रहा है। अरे हमें भी बता दे किसका इंतजार हो रहा है। अरे मैं तो रजनी का इंतजार कर रहा है, पता ना कहाँ चलेगी। वाह बेटे, रहा ना मेरा आइडिया फिट। अरे पहले पूरी बात तो सुन ले। ऐसा तू कर इंतजार, मैं तो रहूं चल, मेरा और ड्यूटी का टाइम। और हाँ सुन, कल मंदिर पे आ जाइए, सारी बात वहीं बताइए तसल्ली से बैठ के, समझ गया ना? अरे मेरी सुन तो सही, मैं सोचा तुझे यही बता दूं। मेरे दौरे टाइम ना है, ड्यूटी को लेट हो रहा हूँ, मौसम हो रहा है खराब, गड़बड़ा रहा है, इंतजार कर जल्दी निकल। अरे एक बात के ही चार बता गया, यू कहाँ रह गई, यू कह रही है 1 मिनट में आ रही हूँ।
तू कहाँ रहेगी? चल चल बैठ गाड़ी में। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते, खुश रहो, आओ बेटा बैठो तुम, मैं गांव से तुम्हारे खाने के लिए कुछ ले आऊं। नहीं अंकल जी, कुछ लाने की जरूरत ना है, हम तो थोड़ा सा घूमे आए हैं। हाँ हाँ घूमो और खेतों की ताजी हवा खाओ। और बेटा एक बात बता, तेरे पिताजी राजेश्वर ठीक है? हाँ जी ठीक है। बेटा तेरे साथ जो लड़की है कौन है? मैंने पिछानी ना। अंकल जी ये रजनी है, ये हमारे यहाँ किराए पर रहती है। ये कहने लगी मैं भी चल रही हूँ तेरी गैल, तो मैंने सोची खेती दिखाता लाऊं इसे। बड़ी अच्छी बात है, यू बिचारी भी खेतों में घूम लेगी। बेटा तेरा नाम क्या है? अंकल जी मेरा नाम है रजनी। अच्छा बेटा तुम घूमो, मैं घर तक होया हूँ। तेरे पापा का फोन आया, मैं लड़के को भेज रहा हूँ। अंकल जी पिताजी ठेके के पैसों को कह रहे हैं। हाँ हाँ तुम घूमो, मैं पैसे लेके न्यू गया न्यू आया। ठीक है अंकल जी। ठीक है। क्या देख रहा है रजनी? तेरे से एक बात पूछूं? एक नहीं दो पूछ, मैं तेरी हूँ तेरी ही रहूंगी। तेरे में ऐसा कौन सा जादू है जो तने मेरा दिल जीत लिया? क्यों, तेरा दिल जीतना इतना कठिन काम है? आज तक किसी की हिम्मत ना हुई है, और एक तू है जिसके बिना एक पल मेरे पर रह ही ना जाता। मुझे तो देख, तूने मेरा रातों की नींद दिल का चैन सब छीन लिया है। मेरा भी यही हाल है, अब हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। पर हाँ, पर चुप क्यों रह गया? पर घरवाले ऐसा होने तो ना देवे। क्यों? बस तू मर्द है या कुछ और है? चुहिया का दिल लेके घूम रहा। मैं अपने मम्मी डैडी से साफ साफ कह दी, शादी करूंगी तो राजन से करूंगी, वरना नहीं करने की। तो रजनी सुन, मेरा दिल इतना कमजोर ना है, मैं शादी करूंगा तो देर से करूंगा, नहीं तो टाल है। करो प्रॉमिस। प्रॉमिस है, वादा है तेरे से, शादी करूंगा तो तेरे से ही करूंगा। ले बेटा ये पैसे रख ले। अच्छा अंकल जी अब हम चले हैं। बेटा तू बैठ, मैं तेरे लिए गन्ने का रस लेके आ रहा हूँ। ना अंकल जी इसकी कोई जरूरत ना। कोई बात ना बेटा, तुम मत पियो, लेकिन भाई साहब के लिए तो ले जाइयो। ठीक है जी। राजन आप बैठो, मैं थोड़ा घूम लूँ, गांव का माहौल है ना थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ तू भी घूम ले, और देख के घूमिए थोड़ा सा, और जल्दी आइए। ठीक है। बेगम नहीं है, कोई शहर की हूर लग रही। चल देखेंगे। चल देखेंगे। हेलो ओए होए, गुड़की डड़ी कहाँ जा रही है? मेरा नाम बिजली है, कैसा लगा करंट? मेरी जान नाराज क्यों हो रही है? तुझे भी सिखाऊंगा आज की। ओ राजन है, देख इंटरनेशनल आशिकों को। कहाँ जा रहा आजा? हमसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी तुझे। यू दादागिरी किसी और को दिखाइए, मर जा परेगू। राजेश्वर के देख तू अपने, तुझे भुगत तू। बेटे क्या रुक कर रोड़ा हो रहा, मैं तो रोड़ा सुन के आया। अंकल रजनी घूमना आई ही, और ये दोनों रजनी को छेड़ दे, साड़ो कर दी बुद्धि सही। ये दोनों लोंडियाबाजी के चक्कर में जेल घूम आए, तुमने ठीक करा, इनकी अकल ठीक हो जाएगी। अंकल जी हमने तो साले सही ठोके, मारे में भी आखिर गांव का खून है, हम रहते ही तो ना आए यहाँ। ठीक है तुम जाओ, पर एक काम करियो, अपने पिताजी से मेरी राम राम कह दियो। ठीक है जी। ठीक है बेटा। रजनी आओ। मारा तो बरा, यू मारा छोरा बैठा, पता नहीं कहाँ कहाँ था।
अरे राजन। हाँ पिताजी। रेकवाइये तू कल गांव में गया था, वहाँ तन्ने झगड़ा करा किसी के घर। पिताजी मैं क्यों झगड़ा करता, और किससे मेरा झगड़ा होगा। अरे गांव तो उस राधे श्याम का फोन आया था, न्यू कह रहा था ये छोरा किसी लड़की को लियो फिरा था, वो कौन थी। अच्छा वो रजनी ही। पिताजी मैं जा रहा है, वो कहने लगी तू गांव जा रहा। मैंने कही हाँ। कहने लगी मुझे भी लेके चल, मैं भी देख लूंगी गांव में के हो। भाई तेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई, और मन्ने तू कई बार समझा लिया। अरे उनका मारा धोरा उठने बैठने का लेबल नहीं है। पिताजी तुम कुछ कह भी रहे हो, मैं अमीरी गरीबी में अंतर नहीं मानता। बात तेरी समझ में आई न रही, एक बहुत बड़े घराने तक तेरे रिश्ते की बात चल रही। इन चीजों का पता चलेगा तो हमारा कौन ससुरा रिश्ता कर देगा। पिताजी मैंने करवा रहा बड़े घर में शादी, अमीर गरीब का खून एक हो एक। अरे और कदलो कुवारा रहेगा। कुवारा क्यों रहता, मैं शादी करूँगा काबिल लड़की से शादी करूँगा, और रजनी काबिल लड़की है। अरे तू चुप का हो जा, काहे की काबिल लड़की है वो। पिताजी वो बैडमिंटन में चैंपियन है, पहले तो स्कूल में फर्स्ट आई, फिर जिले में फर्स्ट आई, अब प्रदेश में उसका फाइनल है। अरे आती होगी, पर मारा और उनका इस रिश्ते में मेल नहीं खाता। मेल खाता हो ना खाता हो, इतना तो मेल खावे क्यों, मेरे से शादी कर लेगी, और मैं शादी करूँगा तो उसी से करूँगा, और नहीं तो मैं ना करूँ किसी से भी। मारा तो लोंडा ही बावड़ा हो गया दिखे भाई, पता ना क्या होगा। हाँ जी कैसे टेंशन में हो रहे, क्या बात होगी। अरे होता ही के, आजकल यू राजन दिन पर दिन बदलता ही जा रहा। क्यों ऐसी क्या बात होगी जी। अरे यू गांव में पैसे लेन भेज जाता, पर अपनी गैल किराएदार ने की लोन जाकू भी ले गया था। अजी कोई बात नहीं, चली गई होगी, क्या हो गया। अरे और सुन, उसके ऊपर गांव में किसी तक मार पीट भी होगी। अजी हाँ। अरे और कह रहा अगर लड़की काबिल है इसी की गैल शादी करूँगा, बता वे कहाँ और हम कहाँ। अजी हाँ यहाँ तक बात पहुँच गई जी। हाँ और मेरी समझ में तो युवा है, आज 30 तारीख भी होली, किराया तो ये देवे नहीं, इन तक कमरा ही खाली करवा लूं, कहीं और रह लेंगे जाके, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अजी मैं कहूँ थी मारा राजन तो है सीधा, ये लोंडी है घनी तेज, या कुछ न कुछ चाल चल रही। अरे अब यूं बता के करे। करते के जी, राजन के घर तक बाहर जाते ही और उनके पास चल रहे, जाके किराए मांगेंगे अपना। यो बात भी ठीक है। अरे रामलाल है के भाई, है तो आ जाओ जी आ जाओ। राम राम जी। राम राम। बैठो जी। अरे भैया आ तो गए रामलाल, कल होगी तेरी 30 तारीख, ले हमारे पैसे दे किराए के। अजी आपसे मैंने कही तो थी कि 1 तारीख कुमारी फैक्ट्री चल जाएगी और तनख्वाह मिलते तुम्हारा किराया भेज देंगे। भाई मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो किराया चाहिए अभी के अभी, और ना तो मेरा मकान खाली कर। अजी ऐसे कैसे खाली कर दूंगा, जब मैंने आपको कह दिया भाई तनख्वाह मिलते थारा सारा किराया पहुँचा दूंगा मैं। अरे मैंने यू कमरा किसी और को दे दिया, यू तो खाली करना पड़ेगा तुझे। अब मकान ना खाली करे मैं 1 लाख लूंगी जी, ऐसा कोई कानून नहीं है कि कोई हमारा मकान खाली करवा दे, 10 साल हो गए मैं रहते हुए। और हाँ थारा किराया है सारा का सारा देंगे। हमने तो ले ला लिया थारा किराया, हमारा मकान खाली कर दो बस। बहन जी हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आपका किराया हम सारा दे देंगे। अब तो ये तेरा खसम हमें कानून बता रहा, अब तो मैं जा रहा हूँ, अब कानून तो ही खाली करो अम्मा कमरे को। चौधरी साहब ऐसी बात ना करो कानून वानून की, तनख्वाह मिलते ही आपका पाई पाई चुका दूंगा। ना ना अब तो हम तेरी मरोड़ी देखेंगे जू। बताओ जी मैंने काहे में मरोड़ दिखा दी इसे। डैडी, बेटी क्या बात है, आज तो बहुत खुश नजर आ रही है। मैं प्रदेश लेवल पे जीत के आई हूँ और अब मुझे स्वर्ण पदक भी मिलेगा। अरे बेटा मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी।